हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज हूँ नीचे शिव जी के मंदिर में। यहाँ पर माँ साहब श्री गिरीश सिंह जी कोरंगा जी की पूजा है, तो मेरा भी सौभाग्य हुआ कि यहाँ आने का। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ भगवान मूलनाग जी का, जो मूल नारायण जी भगवान शिखर में रहते हैं, उनका ही एक निवास स्थान यहाँ पर भी है। तो आपको यहाँ के बारे में कुछ चीज़ बताऊँ। यह है मूलनाग भगवान जी का मंदिर, सामा नीचे सीमा घाड़ी यहाँ कहते हैं। और इसके चारों ओर इस तरह का वृक्ष और जंगल है, और यहाँ पर इनकी महिमा अपार है। तो हर साल आदमी पूजा के लिए आते हैं। नमस्कार आपको सबको। और आप मूल नारायण जी के बारे में क्या क्या जानते हैं, कब यहाँ मंदिर की स्थापना हुई है, इसके बारे में आप बताएंगे? ऐसा है, जब ये शरण नीति से आए कोरंगा थी एक बुद्धा, उसके तीन लड़के चार लड़के हुए, एक जैसे पधारा था वह, फिर अमर भय, फिर उनर भय जो नाम बोल दो पधाराना मस्जिद भाई उनर रसी भाई, ये जमीन हमारे तीनों की है। अब बंदोबस्त में मंदिर का नाम पर हो गया, तब जा करके यहाँ पर वो बेगुन पितर सीधा ब्याह आके बुढ़ी लग गई कथो कथन मेरे को। वही बात जब वापसी किसी छाल में जा रहा था यहाँ पर, तब उसको स्वप्न हुआ। मोहनजना जी ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा सेवा कर, उसको छोड़ दे। रात में उसको बहुत बताया, उसने कोई मतलब नहीं। सुबह जब बकरी हाके गया तो सामा ढूंढा के पार गए नहीं, बकरे सारे गाँव लग गया, बकरी गई नहीं, पहुँच गए फिर रहा। फिर उस साल उसको सारा ये जगह है ये मकान बनाया बता दिया उसको, तब जाके वो यहाँ रहा। उसने कहा मैं 6 दिन का सामान पहुँचा देता हूँ, आया वो उस दिन से ये सेवा कर रहा हो। उसको हो गया 600 साल, तो उस दिन से वो सेवा करता है। 600 में पूर्ण हुए 3 साल, 800 साल पर सुबह हो गए। तो उस दिन से उनके पुत्र उसने सेवा की यहाँ पर, उसके बाद राम सिंह ने की, उसके बाद फिर मानसी ने की, ये करते करते यहाँ तक पहुँच गए। कितने साल हो गया शुरू वहाँ से, ये था ऊपर से आ रहा, ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ ये हमारे जमीन की इसमें आ गया। ये मोहनाग जी है, ये शिखर वाला इसमें अंतर है, भिन्न है। शिखर वाला गोचे लोगों जाते हैं वहाँ उनका चौका का वो हुआ था, यहाँ कोई औरतें नहीं जाते हैं गोचे का हाल है। ये बाल ब्रह्मचारी है। ठीक है, धन्यवाद। ये है चौखुटिया, इसको कहते हैं चौखुटिया, पत्थर पटाल का बना होता है। और यहाँ पर सीख लीख सीख जो हमारी चढ़ती है वो है ये जौ, और हमारे जो बड़ा चूप नींबू कहते हैं, ये हमारे फल के रूप में है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ सर, ये जो आपके हाथ में है ये बना हुआ, ये किस किस चीज का है, इसको पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? ये पहाड़ी भाषा में इसको देवी स्तुति के लिए, जैसे इसमें इसको मूंड कह सकते हैं या ऊपर से उनका छत्र कहते हैं जी। तो ये इसमें भोजपत्र है जी। ये भोजपत्र प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ पे पुस्तकें नहीं होती थी या लेख जो लिखे जाते थे इसी भोजपत्र में लिखे जाते हैं। अभी ये पिंडारी ग्लेशियर के काफी हाइल्टी में ये वाला एरिया, ये जो है इसका भोजपत्र का पेड़ होता है, उसकी खाल से ये बनाया जाता है। और इसमें लेख लिखे जाते थे पहले, जितने भी शास्त्र हैं उनके बारे में लिखा जाता था। इसके बाहर से ये रिगाल बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंदा राज यात्रा जो होती है हमारी लगभग 251 किलोमीटर, एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है, उसमें भी जो हमारे छंतोली है, जो छंतोली है वो छंतोली में यही भोजपत्र का छंतोली बना होता है। ये धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। अपने मूलनाग जी यहाँ पे विष्णु भगवान के अवतार के रूप में छामा गांव में इनको बहुत आस्था है, लोगों की मनोकामना बहुत मान्यता इस मंदिर की है, स्वयं मंदिर में। तो वहाँ पे भी जब भी देवी की स्तुति की जाती है, भगवान मूलनाग जी की स्तुति की जाती है, तो ये छंतोली का भी ऊपर से यूज करते हैं।
इसका मूल को, ये भोजपत्र का बना हुआ है, बाहर से रिगाल का बना हुआ है। जी वैसे ये पुराने समय में लोग बाग जब प्लास्टिक नहीं हुआ करता था तो तब भी यूज करते थे। जी बिल्कुल, इसको इसका यूज किया करते थे। इसका पवित्रता के दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से मैंने बता दिया आपको, इसका लेख के रूप में जब नोटबुकों का यूज नहीं होता था तो इसी में लिखने का काम भी करते थे। हमारा बजेठा कहते हैं, जैसे वो स्याही भी पेड़ों से बनाए जाते थे, और झुमरा होता था उसका जो लेख होता है वो कलम बनाई जाती थी, तो वो कलम से इसमें लिखा जाता है। ये हमें अभी लिखने को आज तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमने इसको पहले देखा है, इसमें लिखी हुई चीजें देखी हुई। जी ठीक है साहब, धन्यवाद जी। जय मुल्ला जी, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। Oh,
तारीख में मानी वर्षों में रुद्री कैलाश में भानी देवी भगवान नारसर भगवान तुम इनकन किल डोबी वो तुम इनकन धो नारसर भगवान धार धार दंडन में चढ़ी धात मानो अस्तिकोण में भगवे चलो ना जान जान तीर देर अर्चना के बाद सभी गांव वाले और मित्रगण भोजन के लिए बैठ गए हैं। थाली सज गई है, अब इसमें भोजन परोसा जाएगा। नंबर क्या था? तो खाना पीना होने के बाद अब घर को जा रहे हैं सभी मेहमान। तो मैं करता हूँ यहाँ पर वीडियो की समाप्ति। धन्यवाद।